हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पेडलर। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आज के इस वीडियो में आज आपको मैं एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप पर लेके जा रहा हूँ। आज हम घर के ही तीन चार लोग जा रहे हैं एक जंगल में, बहुत ही हिडन प्लेस पे। उस प्लेस का नाम है सूरज कुंड। और आजकल तो वैसे गर्मियां हैं, सर्दियों में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल बनता है। तो आजकल पानी कम होने की वजह से वाटरफॉल तो मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जंगल के रास्ते इस जगह पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। और इस जगह पर मैं पहले भी दो तीन बार जा चुका हूँ और ये देखने में बहुत ही सुंदर और शांत जगह है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो चलिए आज मैं भी आपको लेके चलता हूँ सूरज कुंड। और सबसे पहले आप इंजॉय कीजिए इस सफ़र को जो कि बिल्कुल जंगल के रास्ते होके जाता है। दोस्तों, इस जगह पर अगर जाना हो तो गर्मियों में ही हम जा सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में और सर्दियों के दिनों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा घास और झाड़ियाँ होती हैं कि यहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। और साथ ही नाला साथ बह रहा है, इसमें भी काफ़ी पानी रहता है, तो कई जगह पर हमें नाले के साथ साथ भी चलना पड़ता है, तो इस नाले को क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यही वक्त सही है बिल्कुल गर्मियों का, जब पानी कम हो जाता है। दोस्तों, सूरज कुंड जाने का रास्ता भी चैलेंजेस से भरा हुआ है और काफ़ी जगह पर हमें इन पत्थरों से ऊपर नीचे चढ़ के जाना पड़ रहा था और बहुत ही कठिन ये रास्ता है। यहाँ पर कोई पक्का रास्ता नहीं बना हुआ है, जहाँ से भी हमें रास्ता मिल रहा था वहीं से हम रास्ता बना के आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे हम जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इस रास्ते की डिफ़िकल्टी का लेवल जो था वो भी बढ़ता ही जा रहा था। आप देख ही सकते हैं कैसे कैसे इन चट्टानों के ऊपर से हमें चढ़ के जाना पड़ रहा था। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, इससे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल की चट्टानें अभी आगे आने वाली हैं। दोस्तों, ये इलाका दोनों तरफ से बहुत ही घने जंगल से घिरा हुआ है और इस जंगल में आपको कई तरह के जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए हमें बड़ी सावधानी से और बड़े चौकन्ने होकर इस रास्ते से चलना था। दोस्तों, रास्ते की डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ जगह तो रास्ता बिल्कुल ही गायब था और हमें कैसे कैसे इस रास्ते से होके जाना पड़ रहा था। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे हमें इन चट्टानों से उतरना पड़ रहा था। जैसे कि दोस्तों आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं था, तो इस सारी चट्टान को कूदकर हमें नीचे आना पड़ा। ये पूरा रास्ता बिल्कुल शांत था और यहाँ पर आपको केवल जंगली जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ें ही सुनाई देंगी और यहाँ पर आकर एक अलग ही तरह की शांति आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसको ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आगे चलकर हमारे साथ क्या हुआ इस वीडियो में जब हम सूरज कुंड पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे भी कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक तो इसका बनता ही है। दोस्तों, जिस जगह मैं जा रहा हूँ सूरज कुंड, अगर उसकी मैं जानकारी आपको दूँ तो ये जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक बहुत ही शांत जगह है और यहाँ पर एक नेचुरल वाटरफॉल है जो कि चट्टानों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इस जगह में आपको बहुत ही शांति का अनुभव होता है। इससे पहले मैं इस जगह पर दो तीन बार आ चुका हूँ और यही वजह है कि मैं चाहता था कि इस जगह को मैं अपने ब्लॉग में कैप्चर करूँ और आप लोगों तक लेके आऊँ। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये लिख कर ज़रूर बताना कि ये जगह आपको कैसी लगी। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके भी हैं कोई सुझाव
तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह पर आके हमें करना था थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि हमारे एक दोस्त रह गए थे पीछे, तो उनका इंतज़ार हम यहाँ पर कर रहे थे। दोस्तों, जंगल के बीच में किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी लोकेशन शेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, और आप कहाँ पर हैं उस तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद अपने चौथे साथी के साथ कॉन्टेक्ट किया, और फिर हम लोग साथ में आगे बढ़े। दोस्तों, आप लोगों से एक एडवाइस है, अगर आप कभी भी इस तरह का एडवेंचर ट्रिप बनाते हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखें, क्योंकि जंगल में पानी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पानी के बिना सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यही वजह थी कि हम पानी की बोतल साथ में लेके गए थे। यहाँ से हमारी मंजिल बस कुछ ही दूर थी, और कुछ ही पलों में हम पहुँचने वाले थे सूरज कुंड, लेकिन धीरे धीरे आसमान, लेकिन अब पीछे मुड़ना मुश्किल था, और अब आज तो हम सूरज कुंड देख कर ही जाने वाले थे। तो जैसे तैसे हम पहुँच चुके थे सूरज कुंड में। अनिश्चितताओं का फील, तो देखते हैं कैसे सर्वाइव कर पाते हैं हम इस बारिश को। और लोकेशन पे जहां हमें पहुंचना था वहां तो ये राइट नाउ अभी हम सूरज कुंड पे ही है। ये एक बहुत ही हिडन प्लेस है, बिल्कुल जंगल के अंदर, और हम यहां पर पहुंचे हैं काफी जद्दोजहद के बाद, जंगल के रास्ते ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे पहुंचे हैं। डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना के जवान जो हैं उनके पास सर्वाइवल के बहुत ही अच्छे टेक्निक्स होते हैं, और वो हमारे साथ हैं। और यहाँ पर जो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, हमारे पास कमांडो है इस टाइम। यस यस, टफेस्ट कमांडो वी हैव। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लोकेशन सर्च की है, चट्टान के नीचे यहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं बारिश में। देखते हैं बारिश कितनी देर रहती है, होपफुली ज़्यादा देर रहेगी नहीं, क्योंकि ये गर्मियों की बारिश है, और इसके बाद मौसम भी बिल्कुल चिल हो जाएगा। ये देखिए आप लोकेशन जहाँ हम खड़े हैं, अभी डेंजरस लोकेशन है, नीचे कम से कम 20 फुट गहरी खाई है, और ऊपर आपको मैं देखिए कैसी चट्टानें हैं यहाँ पर, इस साइड से हम आए हैं। So we are sharing these clips with Bear Grylls because we have the ultimate survival here in the jungle. Bear Grylls, are you listening? We are surviving here. Yes, yes. अभी आप सुनिए मैन वर्सेस वाइल्ड का हिंदी रूपांतरण। यहाँ पर बारिश पड़ गई है, शाम होते होते यहाँ पर बादल आ गए, और अभी आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को यहाँ बारिश में सर्वाइव किए हुए हैं, और हमें लगता है कि आग भी जलानी पड़ेगी, और उसके लिए कुप्पड़ भी मारने पड़ेंगे हमारे लक्की बाबा। ये तो अल्टीमेट ही हो रहा है। हेलो, वक्त ही ना, सेल्फी भी ले लेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम जंगल में कैसे सरवाइव करने आए हैं। एक छोटा सा ट्रिप लेके आए थे एक सूरज कुंड की तरफ जंगल के बीच में, लेकिन लेने के देने पड़ गए, यहाँ पर बारिश लग पड़ी अचानक। एंटीसिपेट ही नहीं किया था कि इतने कितनी तेज बारिश हो जाएगी, क्योंकि दो तीन दिन से रोज बारिश ये और बादल का हमारे कमांडो वहाँ बोले इतना भारी भार उठाए हुए। देखिए, चलिए अभी आपको दिखाते हैं। ये अपनी चीची उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को थामे हुए बाबा जितेंद्र नाथ जी आज हमें बारिश से बचा लिया है इन्होंने, और ये ना होते तो आज हम पूरे सिज जाते। अभी इंजॉय का अलग से थोड़ा कुछ साधन ढूंढना पड़ेगा हमारे को, तो हम सोच रहे हैं कि हम हैं पहाड़ी बंदे, तो क्यों ना कुछ पहाड़ी मैशअप हो जाए यहाँ पर। तो आप लोगों की फरमाइश पर, सबसे पहली फरमाइश आई है हमारे पास आकाशवाणी धर्मशाला से जितेंद्र से कि कोई भजन हो जाए,
क्योंकि ये योग के आचार्य भी हैं। अगर आपको कोई भी योग सीखना हो, मेडिटेशन सीखना हो, तो आप इनसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। काफी जाने माने और पहुंचे हुए व्यक्ति हैं ये, तो काफी सर्टिफाइड हैं। आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, प्रणाम सबको, प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरा नाम जितेंद्र चंदेल और मैं आयुष मिनिस्ट्री आयुष से योगा सर्टिफाइड सकता हूँ, और मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी काम करता हूँ और ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज चली रहती हैं मेरी। तो फरमाइश की इन्होंने अपने भजन की, तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे, तो गाते हैं हम थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हम भी साथ देंगे आपका जी, शुरू हो जाइए। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। वावा बाबा, वावा बहुत बढ़िया। तो अभी सब लोगों ने अपनी अपनी तशरीफे टिका दी हैं, और मनीष ठाकुर हमारे आईटी प्रोफेशनल, इनका भी एक यहाँ पर गाना रिक्वेस्ट आया है भाई। और गाना बहुत ही बढ़िया चूज किया इन्होंने। इनकी फरमाइश है मेरे शराब बड़ुआ आज मैं तो इनकी फरमाइश भी पूरी की जाएगी, तो सभी साथ में गुनगुनाएंगे अभी। तो 1 2 3 स्टार्ट। ओ मेरे असरा बणुआ मति मत पींदा तू, ओ मेरे असरा बणुआ आज मत पींदा तू। भाई इतना ही थोड़ा थोड़ा पीना बड़ा तगड़ा गाना है। चलो चलो अभी आप डीजे पे नहीं आने वाला पूरा। लो जी इसके साथ बड़ा तगड़ा मिल रहा है। असरा बणुआ मत पींदा तू, ओ मेरे असरा बणुआ आज मत पींदा तू। हेलो दोस्तों, आज हम थोड़ा जंगल में आए थे सूरज कुंड देखने, लेकिन थोड़ा मौसम ने करवट बदल दी और हम लोग अभी थोड़ा कुछ देर के लिए फंस चुके हैं यहाँ पर। फंस तो नहीं चुके हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से। चार लोग हैं और पहुंच वैसे हम चुके हैं सूरज कुंड में। डबल सीटर लेना था तो अभी बस वेट कर रहे हैं कब यही बारिश स्टॉप हो और वापस घर की तरफ चला जाए। पूछे फोन करी, तो बारिश को भी हम इंजॉयबल बना रहे हैं यहाँ पर। काफी गाने वाने गा रहे हैं। और जितेंद्र लक्की जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आज? बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त उम्दा एक्सपीरियंस रहा। ठंडी ठंडी बारिश की फुहारें और साथ में हमारे पूरे मित्रगण, बचपन के दोस्त और हमारे बड़का श्री पिकू भाई जी, और साथ में हमारे आर्मी मैन और आईटी प्रोफेशनल हमारे नाम। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि कहां पर हम सर्वाइव कर रहे हैं। वैसे तो बाहर काफी बारिश चली है, हम बिल्कुल एक चट्टान के नीचे घुसे हुए हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, ये बाहर बारिश है और यहाँ हम अंदर सरवाइव कर रहे हैं जैसे तैसे। यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पहले तो हम भीग गए थे थोड़ा सा, लेकिन अभी जैसे तैसे बच रहे हैं। तो देखते हैं अभी और क्या लेके आ सकते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए अभी तो साइन ऑफ करते हैं, बाय बाय। ओ तू ये करना बोलिया मैंने तो टास्क ला देंगे। चलिए ओ पहाड़ रे माणू हुंदे बड़े भोले, नरे कपड़े लंबे ते चोले, इत सब अपने कोई ना गए, करी लेनी पहाड़ारी सै, करी लेनी पहाड़ारी सै, करी लेनी पहाड़ारी सै। बारे कपड़े लंबे ने चोले, नारे कपड़े लंबे ने चोले, लंबे सब अपने बड़ा खतना, बड़ा खतना कभी आई पहाड़ा रे। सरूड़ू तू बगदे
रूड़ू बगदे पहाड़ा दे रस्ते बगदे जरूड़ू खाने जो मिलदा बात बटूरू पहाड़ा दे रस्ते बगदे जरूड़ू खाने जो मिलदा बात बटूरू नहीं मैं ना मैं ठीक है नहीं आंदा अप्पू जोड़ी लिया करी करी लैनी पहाड़ी अम्मा पुछ दी सुन दी है मेरी तू बड़ी तनी दिया कर तू बड़ी तनी दिया करी होई मोर बोले हम भी मोर बोल के सुन के यहाँ पर आए थे लेकिन मोर की जगह यहाँ कुछ और ही हो गया मोरे एनिमेशन देते हो यहाँ पीछे ये देखिए और यहाँ पर बंद कर दिया गया है आग का देखिए घर से फोन भी आ रहा है लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पर बोलो ज्वाला मैया की जय। ये है सूरज कुंड जहाँ पर हम आज आना चाहते थे। थोड़ी सी बारिश कम हुई है और अभी हम भागेंगे घर की तरफ फटाफट से। सो बॉयज लेट्स गो।